Hello friends, in this video I'll talk about double refraction. So let's start. तो चलिए डबल रिफ्रैक्शन को स्टार्ट करते हैं. डबल रिफ्रैक्शन से पहले आपको ओ रे, ई रे, फिर क्रिस्टल्स, ये सब के बारे में एक आइडिया होना चाहिए. तो चलिए सबसे पहले ओ रे से स्टार्ट करते हैं. ये सब डबल रिफ्रैक्शन का एक कंपोनेंट टाइप में ही है, ठीक है. तो ओ रे होता क्या है? ओ मतलब होता है ऑर्डिनरी रे. इन दिस द ओ मीन्स ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी रे. एंड ई रे होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, ठीक है. तो जो ओ रे होता है उसमें कुछ पॉइंट्स है, ई रे उसमें भी कुछ पॉइंट्स है. तो चलिए पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं. पहला, जो ओ रे होता है वो स्नेल्स लॉ को ओबे करता है, ठीक है. मतलब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को ओबे करता है ओ रे. यू कैन से म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई, ये म्यू है, ठीक है, म्यू साइन आई बाय साइन आर एज इट ओबेस स्नेल्स लॉ. लेकिन जो ई रे होता है वो स्नेल्स लॉ को ओबे नहीं करता. ये पहला पॉइंट हुआ. दूसरा पॉइंट, ये जो ओ रे और ई रे होता है ये बेसिकली एक क्रिस्टल्स के अंदर आपको मिलता है, ठीक है. तो वो जो क्रिस्टल्स होता है वो होता है डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स. स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स आता है जिसमें जब कोई लाइट रे पास करता है वो लाइट रे दो वेव फ्रंट में टूट जाता है, ठीक है. तो वो दो वेव फ्रंट में जो टूटता है, पहला वेव फ्रंट को ओ रे बोलते हैं, दूसरा को ई रे बोलते हैं. ये पर्टिकुलर शेप बना के उस क्रिस्टल्स के अंदर मूव करता है, ठीक है. तो जो ओ रे जो मूव करेगा क्रिस्टल्स के अंदर उसका वेलोसिटी इनसाइड द क्रिस्टल क्या रहेगा? सेम रहेगा. तो वेलोसिटी इज सेम इनसाइड द क्रिस्टल. लेकिन जो ई रे होता है उसमें वेलोसिटी इज डिफरेंट, वेलोसिटी इज डिफरेंट, ठीक है. जो थर्ड पॉइंट है, जो ऑर्डिनरी रे होता है वो उसका जो वाइब्रेशन होता है वो परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ अ क्रिस्टल होता है, ठीक है. फॉर एग्जांपल, ये अगर एक क्रिस्टल है तो ये जो लाइन है ये है प्रिंसिपल सेक्शन. तो जो ओ रे का वाइब्रेशन है वो परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ अ क्रिस्टल है. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप ऐसे मान सकते हैं कि ओ रे का जो वाइब्रेशन है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है. तो वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर टू द, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ क्रिस्टल. ये क्रिस्टल है, ठीक है. और नंबर थर्ड, इसमें जो वाइब्रेशन है is parallel to the principal section of a crystal. तो अगर आप प्लेन मान के चलते हो तो आपको पता चल गया होगा कि ओरे को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे. ओरे को रिप्रेजेंट करेंगे बाय यूजिंग डॉट, क्योंकि आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, मतलब आप प्रीवियस वीडियो को यूज कर सकते हैं, ठीक है, बेसिक पोलराइजेशन के बारे में जानने के लिए. तो ये जैसे मार्कर मैं ऐसे रखा, तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का वो क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन है. तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन या परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल सेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हम डॉट से, एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल सेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हम इससे, ठीक है. ये है फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर, ये पैरेलल टू द प्लेन है, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल सेक्शन है. तो ये जो था ओ रे और ई रे के बारे में, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये. तो वेलोसिटी सेम इनसाइड द क्रिस्टल, वेलोसिटी इज डिफरेंट इनसाइड द क्रिस्टल. तो अब क्रिस्टल किस टाइप का क्रिस्टल? क्रिस्टल भी दो टाइप के होते हैं, एक है यूनिएक्सियल क्रिस्टल एंड दूसरा होता है बायएक्सियल क्रिस्टल, ठीक है. डबल रिफ्रैक्शन को समझाने के लिए सबसे पहले आपको ये सब इंफॉर्मेशन के बारे में आइडिया होना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप डबल रिफ्रैक्शन को अच्छे तरीके से समझ पाओगे. तो अब चलते क्रिस्टल्स की ओर. सी आर क्रिस्टल्स. तो जो क्रिस्टल्स है
क्रिस्टल्स आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज यूनिएक्सियल क्रिस्टल एंड बायएक्सियल क्रिस्टल। तो जो यूनिएक्सियल क्रिस्टल वो आपके सिलेबस में है, बायएक्सियल क्रिस्टल आपके सिलेबस में नहीं है। यूनि मीन्स वन, वन डायरेक्शन मतलब जिसमें एक ही एक्सिस हो उसे हम बोलते हैं यूनिएक्सियल क्रिस्टल, और जिसमें दो डायरेक्शन या दो एक्सिस हो उसे हम बायएक्सियल क्रिस्टल बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में यूनिएक्सियल क्रिस्टल है। अब जो यूनिएक्सियल क्रिस्टल बेसिकली है वो दो में डिवाइड होता है, एक होता है पॉजिटिव क्रिस्टल और एक होता है नेगेटिव क्रिस्टल। नेगेटिव क्रिस्टल, ठीक है, ये दो टाइप का क्रिस्टल आपको पढ़ना है। तो जो पॉजिटिव क्रिस्टल होता है उसमें कुछ पॉइंट्स आपको रिमेम्बर करना है कि जो पॉजिटिव क्रिस्टल होता है उस केस में वेलोसिटी ऑफ ओरे, वेलोसिटी ऑफ ओरे इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ई रे। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ओरे को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा वी ओ, और वेलोसिटी ऑफ ई रे को मैं वी ई की तरह रिप्रेजेंट करूंगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, आपको पता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सी बाय वी होता है। ठीक है, तो अगर मेरे को म्यू ई चाहिए तो मैं लिखूंगा सी बाय वी ई, अगर मेरे को म्यू ओ चाहिए तो मैं लिखूंगा सी बाय वी ओ। अब आपको पता है पॉजिटिव क्रिस्टल में किसका वेलोसिटी ज्यादा होता है, ओरे का। अगर इसका वेलोसिटी ज्यादा होता है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, तो वी कैन से दैट म्यू ई इज ग्रेटर देन म्यू ओ। ठीक है, नंबर सेकेंड पॉइंट हो गया। नंबर थर्ड पॉइंट जो है, जो ओरे का वेव फ्रंट होता है वो होता है स्फेरॉइड, ये रिमेम्बर कर लीजिएगा। ओरे का जो वेव फ्रंट का शेप होता है वो होता है स्फेरॉइड शेप, स्फेयर की तरह होता है, स्फेरॉइड शेप। ठीक है, और जो ई रे का होता है वो होता है एलिप्सॉइड, एलिप्स का शेप की तरह, कैन से एलिप्सॉइड। ठीक है, ये शेप है, ये आप एक बार याद कर लीजिएगा। तो वेव फ्रंट फॉर ओरे, पॉजिटिव क्रिस्टल में जो ओरे का वेव फ्रंट है वो आउटसाइड लाई करता है ई रे। फॉर एग्जाम्पल ये अगर ई रे है, ठीक है, ई रे का मैंने क्या बताया था, एलिप्सॉइड। अगर ये ई रे का वेव फ्रंट है तो जो ओरे का वेव फ्रंट होगा वो बाहर होगा। ठीक है, ओरे का वेव फ्रंट क्या होगा, बाहर होगा। तो इन पॉजिटिव क्रिस्टल द वेव फ्रंट ऑफ ओरे लाइज आउटसाइड द वेव फ्रंट ऑफ ई रे। तो वी कैन राइट लाइक दिस, वेव फ्रंट ऑफ ओरे लाइज आउटसाइड, lies outside wave front of E ray। अब जो भी आप positive crystal में पढ़े हो ये तीन point, वो negative crystal में उल्टा हो जाता है। ठीक है, you can write vice versa of positive crystal, vice versa of positive crystal। ठीक है, मतलब opposite, जो positive crystal में होगा उसका opposite नेगेटिव क्रिस्टल होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं डबल रिफ्रैक्शन की ओर, डबल रिफ्रैक्शन। तो मैं क्रिस्टल लेता हूं, फॉर सपोज ये क्रिस्टल है, ठीक है, अब ये जो क्रिस्टल है ये है एन आइसोट्रॉपिक क्रिस्टल, इट इज एन आइसोट्रॉपिक डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल। अब आप सोच रहे होंगे कि डबल, ये डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल ही क्यों, डबल रिफ्रैक्शन मतलब क्या, डबल रिफ्रैक्शन मतलब एक लाइट रे दो कंपोनेंट दो वेव फ्रंट में टूटता है, एक ई रे एक ओ रे, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा। ठीक है, तो जो ओ रे होता है उसका स्पीड इनसाइड अ क्रिस्टल सेम रहता है, जो ई रे होता है उसका स्पीड या उसका वेलोसिटी इनसाइड अ क्रिस्टल डिफरेंट रहता है, ये सब पॉइंट्स आपको रिमेंबर करना है। ठीक है, एन आइसोट्रॉपिक क्रिस्टल मतलब क्या, कि ऐसा क्रिस्टल जिसको ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज डिफर करता हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई लाइट रे जाता है, वो जब वो क्रिस्टल के अंदर जाता है तो डिफरेंट स्पीड्स होने के कारण, मतलब डिफरेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होने के कारण, वो दो रे का जो पाथ जो फॉलो करने वाले थे
वो एक्चुअली चेंज हो जाते हैं, ठीक है, मतलब चेंज हो जाता है, मतलब असर आ जाता है, ओरे और ईरे में असर आ जाता है ड्यू टू डिफरेंट इन ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रिस्टल, उसको हम एनआइसोट्रॉपिक क्रिस्टल बोलते हैं। लेकिन एक ऐसा टाइप का क्रिस्टल अगर हो जिसमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज सेम हो उसको हम बोलते हैं आइसोट्रॉपिक क्रिस्टल, ठीक है। तो समझिए मैं एक लाइट रे ले रहा हूँ, ये लाइट रे ऐसे जा रहा है, तो जब ये क्रिस्टल में स्ट्राइक करेगा तो ये दो कंपोनेंट, दो वेव फ्रंट में टूट जाएगा। और सपोज एक है ये दैट इज ईरे और नेक्स्ट दैट इज ओरे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो ओरे होता है उसे मैं रिप्रेजेंट करता हूं डॉट से, और जो ईरे होता है उसे मैं रिप्रेजेंट करता हूं पैरेलल टू द प्रिंसिपल सेक्शन, मतलब पैरेलल टू द प्लेन आप बोल सकते हो, ठीक है। तो जो अनऑर्डिनरी लाइट है, जो अनऑर्डिनरी लाइट है वो अगर कोई क्रिस्टल से पास करता है, ठीक है, और क्रिस्टल कैसा होना चाहिए, डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल होना चाहिए, तो वो दो वेव फ्रंट में टूट जाता है, एक ओरे और एक ईरे। तो जब वो इस क्रिस्टल से बाहर निकलता है तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो जाता है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन आ गया ना, ये पहले तो पूरा रैंडमली हर जगह वाइब्रेट कर रहा था, लेकिन अब रेस्ट्रिक्शन आने के होने के कारण ये सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है, आइदर अलोंग और आइदर परपेंडिकुलर, ठीक है। जो पैरेलल प्लेन है, जो पैरेलल है वो ईरे और जो परपेंडिकुलर है वो ओरे। तो ये जो मेथड है ये है डबल रिफ्रैक्शन ऑफ अ क्रिस्टल, ठीक है। अब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, फॉर एग्जांपल निकोल प्रिज्म, एनालाइजर, पोलराइड्स, ये सब जो है ये बेसिकली डबल रिफ्रैक्शन हो गया, डाइक्रोइज्म हो गया, ये सब प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड करते हो, तो हम फर्दर वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ क्रिस्टल्स का, फॉर एग्जांपल अगर आप पॉजिटिव क्रिस्टल्स, तो पॉजिटिव क्रिस्टल्स के एग्जांपल है वो है क्वार्ट्ज, जो बेसिकली आपको यूज करना है, ठीक है, बेबिनेट कंपेंसेटर ये सब आएगा उसमें आपको क्वार्ट्ज यूज करना है, ठीक है। और जो नेगेटिव क्रिस्टल है उसका एग्जांपल है कैल्साइट, ठीक है, कैल्साइट आपको निकोल प्रिज्म, यू हैव टू यूज कैल्साइट इन ऑर्डर टू मेक निकोल प्रिज्म। एंड जो क्वार्ट्ज है वो आपको यूज करना है इन ऑर्डर इन बेबिनेट कंपेंसेटर, ठीक है। तो ये क्रिस्टल्स का एग्जांपल, और भी कई सारे क्रिस्टल होते हैं लेकिन आपको जो अपने पोर्शंस में जो यूज करना है वो ये दो ही क्रिस्टल्स है, ठीक है। तो अब जो एक तो ये था डबल रिफ्रैक्शन, एक ऑर्डिनरी लाइट टूट गया ईरे और ओरे में, और ये क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इट इज PPL, इट इज ऑर्डिनरी लाइट, ठीक है। तो अब एक जो टॉपिक है वो है हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ डबल रिफ्रैक्शन, ठीक है, हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ डबल रिफ्रैक्शन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ डबल रिफ्रैक्शन, हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ डबल रिफ्रैक्शन। तो चलिए डिस्कस करते हैं ये। सबसे पहला पॉइंट क्या है, मतलब मैंने जो अभी आपको डबल रिफ्रैक्शन के बारे में बताया था उसका सम अप हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ डबल रिफ्रैक्शन है, ठीक है। तो जो पहला पॉइंट है वो क्या है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ऑन अ डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, ये डबल DR मतलब डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, ठीक है, ईच पॉइंट ऑन द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ईच पॉइंट ऑन द रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ acts as a source of two secondary
टू सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक है, टू सेकेंडरी वेव फ्रंट जो स्प्रेड होता है इनसाइड द क्रिस्टल, विच स्प्रेड इनसाइड द क्रिस्टल. तो ये मैंने आपको बता दिया है कि एक डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल है, उसमें से जो अनऑर्डिनरी लाइट जाता है, सॉरी ऑर्डिनरी लाइट जो जाता है वो जब क्रिस्टल के अंदर जैसे डूबता है वो ओरे और ईरे में रिफ्रैक्ट मतलब टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है और वो इनसाइड द क्रिस्टल मूव करता है. ठीक है, अब जो ओरे होता है, नेक्स्ट पॉइंट है ओरे, ओबेस लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, विच ट्रेवल्स विथ सेम वेलोसिटी इनसाइड अ क्रिस्टल, विच ट्रेवल्स मतलब समअप ही है ये टोटली, जो मैंने आपको डिस्कस किया था वो उसका पूरा समअप समरी आपको हाइजेंस प्रिंसिपल में लिखना है. ठीक है, विच ट्रेवल्स विथ सेम स्पीड सेम वेलोसिटी इनसाइड अ क्रिस्टल इनसाइड द क्रिस्टल, ठीक है, हैविंग वेव फ्रंट, हैविंग द शेप ऑफ, क्या शेप था उसका, स्फेरॉइड, स्फेरॉइड शेप. नंबर थर्ड, अभी जो मैंने ओरे के बारे में लिखा वो आपको ईरे में लिखना है कि ईरे, नंबर थर्ड क्या है, ईरे डज नॉट डजंट ओबे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन and it travels with different velocity inside a crystal having the shape of ellipsoid. तो ये आपको लिखना है, ठीक है. नंबर फोर्थ, अब along the optic axis, optic axis के along, for example अगर crystal ऐसा है, ठीक है, ये समझिए optic axis है, तो अगर optic axis के along अगर कोई light जाता है, ठीक है, optic axis के along अगर कोई light जाता है, डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल है अलोंग ऑप्टिक एक्सिस अगर कोई लाइट जाता है, तो उस केस में जो ओरे और ईरे बनता है उसका वेलोसिटी इनसाइड द क्रिस्टल क्या रहता है, सेम रहता है. काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है. द रेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू द टू वेव फ्रंट मर्ज अलोंग द ऑप्टिक एक्सिस हैविंग सेम वेलोसिटी व्हेन इट ट्रेवल्स अलोंग ऑप्टिक एक्सिस. तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, ओरे एंड ई रे ट्रेवल्स विथ सेम वेलोसिटी अलोंग ऑप्टिक एक्सिस, ट्रेवल्स विथ सेम वेलोसिटी अलोंग ऑप्टिक एक्सिस, ठीक है, ये ऑप्टिक है. तो बेसिकली ये जो फोर पॉइंट्स है ये हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ डबल रिफ्रैक्शन. तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ डबल रिफ्रैक्शन, ठीक है. तो चलिए एक और चीज मैं बता देता हूं आपको, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कैल्साइट क्रिस्टल, कैल्साइट क्रिस्टल, ये कैल्साइट क्रिस्टल के बारे में कुछ पॉइंट्स आपको जानना जरूरी है, ठीक है. आपको पता है जो कैल्साइट क्रिस्टल होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ क्रिस्टल होता है, कलरलेस, इट्स अ कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल, कलरलेस और ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल है. और इसका जो स्ट्रक्चर है, जैसा आपने पढ़ा था क्लास 12 में सॉलिड स्टेट, तो मुझे लगता है आपको याद होगा ये एक रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर है, रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर ये क्यूब में बना रहा हो इधर, फॉर एग्जांपल ये क्यूब है, तो क्यूब में आपको पता है कि हर जो सरफेस होता है स्क्वायर होता है, ठीक है. तो आप इमेजिन करिए कि स्क्वायर की जगह में पैरेललोग्राम सरफेस बना रहा हो, तो जो बनता है वो होता है रोम्बोहेड्रल, ठीक है, जो फॉर्म होता है वो होता है रोम्बोहेड्रल. तो मैं बस एक ही सरफेस बनाऊंगा,
ठीक है, ये पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये जो अभी कंप्लीट जब बनेगा तो होता है रोम्बो हेड्रल। अब ये जो एंगल होता है, मतलब फॉर एग्जांपल एक सरफेस को अगर आप कंसीडर करते हो, एक सरफेस को अगर आप कंसीडर करते हो तो उसमें जो एंगल्स होता है ये होता है 102 डिग्री और ये होता है 78 डिग्री, ठीक है, 102 डिग्री है और 78 डिग्री है। अब इसमें कुछ टर्म्स है, मतलब ऑपोजिट एंगल ऑफ ईच पैरेललोग्राम 102 एंड 78। अब इसमें एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं ब्लंट कॉर्नर्स। अब ब्लंट कॉर्नर्स मतलब क्या होता है, द डायमेट्रिकली ऑपोजिट कॉर्नर्स, द डायमेट्रिकली, जैसे ये कॉर्नर हुआ ये कॉर्नर हुआ ये कॉर्नर हुआ ये कॉर्नर हुआ, तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये कॉर्नर कंसिडर कर रहा हूँ, तो द डायमेट्रिकली ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ रोम्बो हेड्रल, ठीक है, ऑफ अ रोम्बो हेड्रल वेयर थ्री ऑब्ट्यूस एंगल मीट एट अ पॉइंट। ये जो एंगल है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको कंसिडर करते हो ये कॉर्नर को, तो इसमें तीन ऑब्ट्यूस एंगल है जो मीट कर रहा है इस पॉइंट में, एक दो तीन, ठीक है, तीन ऑब्ट्यूस एंगल है जिसका एंगल कितना 102 डिग्री। तो इस कॉर्नर को बोलते हैं ब्लंट कॉर्नर, ठीक है। और जब कोई एक्सिस ब्लंट कॉर्नर से पास करता है, ये जो एक्सिस जो पास कर रहा है इसे हम बोलते हैं ऑप्टिक एक्सिस इन कैल्साइट क्रिस्टल। तो कैल्साइट क्रिस्टल का ऑप्टिक एक्सिस एक ऐसा एक्सिस होता है जो ब्लंट कॉर्नर से पास कर रहा है, और ब्लंट कॉर्नर क्या होता है, द डायमेट्रिकली ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ रोम्बोहेड्रल वेयर थ्री ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, मीट एट अ पॉइंट। और बेसिकली कितना एंगल होता है, 102 डिग्री। तो ये जो था ये कैल्साइट क्रिस्टल के बारे में था। तो ये कैल्साइट क्रिस्टल को हम निकोल प्रिज्म में यूज करेंगे, तो इस निकोल प्रिज्म का टॉपिक मैं अगले वीडियो में कवर अप करूंगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, बाय।